सब्सक्राइब मंच टीवी ऑन यूट्यूब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मंच टीवी। अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, views and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर अपनी बातें, अपना शहर अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, कोणार्क अपना शहर अपनी बातों के आज के इस एपिसोड में मैं कुणाल कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की और देखते हैं कि किस प्रकार से रही हमारे शहर में गतिविधियां। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। तो सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। 141 विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार से 4 तारीख को शक्ति प्रदर्शन करते हुए उम्मीदवारी के नामांकन पत्र भरे गए थे, तो 7 तारीख को ये प्रक्रिया थी कि कौन अपनी उम्मीदवारी वापस लेगा। तो इस बारे में क्या है हमारे पास अधिक जानकारी प्रांत कार्यालय से, आइए सुनते हैं। 3 उमेदवारांनी त्यांची उमेदवारी अर्ज माघार घेतला आहे। कमलेश निकम, उमेश कालानी, रवींद्र अभिमन्यू केने, त्यामुळे आता 18 उमेदवार रिंगणात आहेत। ओमी कालानी ने भी एनसीपी से नामांकन पत्र भरा था, जिसके बाद 7 तारीख को उन्होंने अपना नामांकन पत्र यानी कि अपनी उम्मीदवारी वापस ली। इसी के साथ कमलेश निकम ने भी अपक्ष जो है नामांकन पत्र भरा था, उन्होंने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ली। इसी विषय में हमने बातचीत की, आइए सुनते हैं क्या उनका कहना। देखिए, जैसे मैंने 2 फॉर्म भरे थे, एक राष्ट्रवादी पे सेकेंड जो नाम था वो मेरा था, पहला नाम मेरी माताजी ज्योति पप्पू कलानी का था, और एक मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा था सेफ साइड के लिए कि इन एनी केस अगर राष्ट्रवादी कांग्रेस के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होगा तो इंडिपेंडेंट भी मैंने सेफर साइड भर के रखा था। तो जैसे कि सबको पता है कि मम्मी का फॉर्म अप्रूव हो चुका है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट अभी घोषित है, तो ऐसे में मैंने जो मेरा जो इंडिपेंडेंट फॉर्म था, लोगों में कन्फ्यूजन नहीं हो दो कलानीज एक ही बैलेट पे, तो मैंने मेरा फॉर्म अभी विड्रॉ किया है और ज्योति पप्पू कलानी अभी ऑफिशियल कैंडिडेट रहेंगे। मतदाताओं को मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मेरी माताजी ज्योति पप्पू कलानी जो इससे पहले भी आमदार 5 साल रह चुकी हैं, इन्होंने काफ़ी काम किया है, और उससे पहले 5 साल के भी जब कुमार एलानी जब आमदार थे, तो वो 5 साल और ये 5 साल के बीच में लोगों ने खुद डिफरेंस देखा होगा। तो हम जो बात करते हैं, हम सिर्फ डेवलपमेंट की बातें करते हैं और बाकी लोग जो है एक दूसरे की गंदगी करके और अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो मैं लोगों से अपील करूंगा कि जिन लोगों ने काम किया है, हम लोग पिछले 30 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, हमें एक बार फिर मौका देना चाहिए। मैंने फॉर्म भरा था और अभी हम लोगों ने पीछे लिया है। विषय यही है कि जिस तरीके से कालानी परिवार विकास और सुरक्षा के लिए काम करते आए और विकास और सुरक्षा को प्राधान्य देते हुए ये फॉर्म पीछे लेकर आदरणीय ज्योति कालानी जी को बहुमतों से विजय बनाने के लिए पूरी की पूरी टीम ओमी कालानी के माध्यम से हम उल्लासनगर में काम करने जा रहे हैं। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। इस बार विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि कई अपक्ष उम्मीदवारों ने भी चुनाव में अपना हाथ आजमाया है और उनका कहना है कि विकास के मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में लोगों के लिए यानी कि जनता के लिए उतर रहे हैं। ऐसे में हमने अपक्ष उम्मीदवार एडवोकेट राज चांदवानी से बात की, क्या है उनका कहना, आइए सुनते हैं। मैं एडवोकेट राज चांदवानी आज आपको बताना चाहता हूं कि आज हमने MLA इलेक्शन जो है 2019 का फॉर्म फिलअप करके आज वैलिड हुआ है हमारा फॉर्म। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमने उल्लासनगर शहर के लिए धोखादायक इमारतों का मुद्दा उठाया था, जैसे कि 290 के आसपास बिल्डिंग्स हैं, उनके बारे में हमने काम किया और कानून लोगों को समझाया।
इस दौरान हमें ये पता चला कि हमें काफ़ी समाज सेवा करने में मुश्किलें आ रही हैं, इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि एटलीस्ट हम एक स्टैंड लें, हम इलेक्शन में उतरें। मुझे धोखा था कि इमारत वासियों से और काफ़ी सारे एनजीओ से अप्रोच हुआ कि एज अ एडुकेटेड पर्सन एक आगे आना चाहिए हमारे इलेक्शन में, ताकि हमें एक स्टैंड ले सकें हम। तो मैंने, जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी क्वालिफिकेशन जो है डिप्लोमा IT BLS LLB और LLM है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, वकील हूँ, और हमने इलेक्शन में उतर के एक स्टैंड लिया है। हमारा पर्पस जो है इस इलेक्शन में उतरने का, सिर्फ एक ही पर्पस है कि हमें काम करना है शहर के लिए। ये तो एक मुद्दा है। हम अगर MLA बनते हैं तो उसके बाद हम सबसे पहले धोखादायक इमारत वासियों को जो बेघर हुए हैं उनको घर दिलवाएंगे और कंपेंसेशन जो है वो सरकार से दिलवाएंगे, क्योंकि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सरकार की। उसके बाद अगर हम मुद्दा उठाएंगे तो रोड्स का उठाएंगे, जो मेन रोड्स है। अगर आप मुझसे टाइम पूछेंगे कि हम ये कैसे हो सकता है, तो विदिन 6 मंथ्स ये काम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि जो MLA होता है हिंदुस्तान के जो संविधान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो 264 आर्टिकल है उसके हिसाब से MLA को पावर्स हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको हम लिस्ट बोलते हैं, उस लिस्ट में उसको पावर्स हैं कि आप एक लॉज बना सकते हैं अपने शहर के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, और क्या क्या आप काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे उल्लासनगर आप देखेंगे तो एक पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेड लिस्ट में शामिल है उल्लासनगर, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। इस पर हम एक मैकेनिज्म बनाकर पोल्यूशन को हम कम कर सकते हैं। उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मिनी मॉल्स वगैरह, अपडेटेड रेलवे स्टेशंस प्राइवेट कंपनी को, जैसे आप वेस्टर्न साइड या सेंट्रल साइड देखेंगे, सबअर्ब साइड देखेंगे, तो वो प्राइवेट सिडको जैसे है वहाँ पर दी गई हैं, वैसे हम इन बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तो महिलाओं के लिए घर बैठे स्कीम्स ला सकते हैं। ये काफ़ी सारे मुद्दे हैं जो हम कर सकते हैं। स्वच्छता को लेकर आप अभियान चला सकते हैं उल्लासनगर में। अगर स्वच्छता को लेकर हम मान सकें तो मैं कहता हूँ कि 1 साल के अंदर पूरा उल्लासनगर जो है साफ कर सकते हैं हम, टीम्स बनाकर और पेनल्टीज लगाकर। अगर कोई कचरा फेंकता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए, ये भी लॉज बना सकते हैं MLA। तो करने जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं एडवोकेट राज चांदवानी आपसे ये अपील करता हूँ कि इस इलेक्शन में हमें आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, हमें आप वोट करें, हमें जिताएं, ताकि हम शहर का काम कर सकें। आप जैसे कि जानते हैं कि उल्लासनगर मारल वरब विलेजेस में, कांबा विलेज में, अब अगर बारिश होती है, बाढ़ आती है, वाटर लॉजिंग हो जाता है, उसके लिए हमारे देश में कानून है या उसके लिए प्लानिंग है, जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान, उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। वो भी हम करेंगे ताकि वाटर लॉजिंग ना हो और बाढ़ जैसे हालात में हम उनको फेस कर सकें। उसके बाद मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे कई सारे शहरों में, या इनफैक्ट आप पूरे स्टेट में बोल सकते हैं कि हमारी मंदी चल रही है बिज़नेस की। उसके लिए हमने ये सोचा है कि आउटसाइड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाना होगा, जिससे बाहर से इन्वेस्टमेंट हमारे इन शहरों में किया जाए, ताकि हम मंदी को फेस कर सकें और स्मॉल स्केल पे भी बिजनेस हमेशा कायम होता रहे। तो ये भी काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा कि आप हमें वोट देकर जरूर जिताएं और आशीर्वाद जरूर दें। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासा का कैंप क्रमांक 3 के हीराघाट परिसर में महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं। वो मेरे को ना आके घर पे गाली गलेज देने लगा और बच्चों को मारा। मेरा पति का कपड़ा निकल के फेंक दिया मेरे को लकड़ी से, उसके इधर क्या था वो मार दिया, लकड़ी से मार दिया वो आके। और क्या बोलते, तेरा घर नहीं बोलता है, मेरा ससुरा का घर है, मैं हीराघाट में रहती हूँ, हरिभाव अम्बाजी कामले का भाव है मैं। ससुरे के पास आता था जाता था वो, फिर मेरे ससुरे को दवाखाना वही एडमिट किया, वही भाग के लेके गया मेरे ससुरा को, भाग के लेके मेरे सास को भी मार के डाल दिया वो। वो आ गया आके, तेरा मम्मी किधर है, वो प्रकाश कामले, वो इधर नहीं रहता, हीराघाट में नहीं रहता, वीक सेक्शन में रहता है, कभी भी आके धमकी देता है, वो करता ये करता, मेरे को मारता। पुलिस को मैं बोली, मैं वही औरत हीराघाट से आई, मेरे को मार दिए वो प्रकाश कामले ने, उसकी औरत ने मेरे को मार दिया, मेरा बच्चों को कपड़ा निकाल दिए, मेरे को साड़ी पकड़ के लकड़ी से मार दिए, बोली मेरा आदमी का भी कपड़ा निकाल दिए, सब लुंगी वो सब निकाल दिए। फिर पुलिस ने मेरे को दवाखाना जाओ बोले, मैं बोली मेरा कंप्लेंट लो तुम्ही पहला, नहीं तुम्ही दवाखाना जाए क्या हो, बोले दवाखाना एडमिट हो गई मैं।
मेरे को बहुत लग गया। नहीं क्या मेरे को मालूम नहीं। और कल दवाखाना आए थे, सब लिख के लेके गए। क्या लिख के लेके गए मेरे को वो मालूम नहीं। उसका औरत का नाम पूछे, उसका नाम पूछे, मैं बोल दिया ऐसा। औरत को कोई भी ऐसा बार बार मारेगा तो नहीं जमेगा। आज मेरे को मारेगा, कल महिला को मार देगा, ऐसा नहीं होने का, उसको सजा देने का। ये घटना कल सुबह 10 बजे की है और मैं इस घटना की निंदा करता हूँ कि किसी महिला पे और उसकी दोनों बेटियों पे और उसको पति, उसके पति को भी कपड़े निकाल के मारा है और बहुत बुरी तरह से ये महिला को जख्मी किया है। और इस तरह से जो घटना घटती है तो मामला चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये क्या किसी पुरुष को शोभा देता है किसी महिला पे इस तरह से अत्याचार करना, उसके कपड़े फटने तक मारना, उसके सर में इतनी चोटें करना कि उसके अंदर 1.5 इंच का उसका अंदर जख्म हो गया है। तो कहीं तो भी पुलिस प्रशासन का डर लोगों के दिल से निकलता जा रहा है, ये इसका प्रमाण है। वरना अगर प्रशासन का डर होता, पुलिस प्रशासन का डर होता, तो आज घर में घुस के किसी पराए एरिया का इंसान किसी महिला पे और उसके पूरी फैमिली पे इस तरह से आक्रमण करके उनको मारपीट नहीं करता था। तो कहीं तो जब अभी यहाँ पे देखा जाए तो आज की सुबह का उन्होंने FIR लॉन्च किया है तो उसमें 324 दिखाया है, इसमें विनय भंग क्यों नहीं दिखाया गया है? क्या ये पुलिस प्रशासन का कर्तव्य नहीं है क्या? ठीक ठीक तरीके से हम जिस तरह से घटना घटी है उस तरह से हम FIR दर्ज करें, कलम दाखिल करें, ये उन लोगों को भी कर्तव्य है। मेरी मांग रहेगी कि ये बेचारी गरीब फैमिली है और मेरे घर से 2 घर दूरी रहती है, इनको मैं अच्छी तरह से जाति तौर से पिछले 40 सालों से जानता हूँ। ये बहुत ही गरीब और संयमी तरह के लोग हैं, इनके तरह इनके एक आशा है पुलिस प्रशासन से, क्या ये गरीब लोगों को भी इनका न्याय मिलना चाहिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। नवरात्रि के उत्सव के चलते झूलेलाल स्कूल में विद्यार्थियों के लिए 5 दिन के लिए डांडिया रास का आयोजन किया गया था। आइए डालते इस पे एक नजर। लाल सभी तो जुड़े ला सभी उल्लासनगर वासन के नवरात्रि जो लख लख करोड़ करोड़ वादायों वादायों वादायों। ये साल नवरात्रि उत्सव हमारे झूलेलाल ट्रस्ट स्कूल में और झूलेलाल मंदिर में 5 दिनों से मनाया जा रहा है, जहाँ पे हमारे 2000 गर्ल्स स्टूडेंट ने बहुत खुशी से डांडिया रास करके माता रानी को मनाया है। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। उल्लासा का कैंप क्रमांक 3 OT परिसर पर स्थित हनुमान मंदिर में अष्टमी के मौके पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही साथ यहां पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। बोल अंबिके मात की जय, जगदम्बे मात की जय, बाबू जेठानंद साहेब की जय। सभी भक्तों को अष्टमी की हार्दिक हार्दिक बधाइयां। अभी हमारा जैसे हर साल 6-6 महीने का जो कार्यक्रम होता है, अभी भी हमारा सवेरे 9:30 से हवन था, अभी हवन समाप्त हो चुका है, उसके बाद हमारा कन्या भोजन अभी चल रहा है, कन्या भोजन के बाद आम भंडारे का आयोजन है, फिर बैठक है, कीर्तन चलेगा, सब लोग आए हैं अच्छे तादाब में, माता का गुणगान कर रहे हैं और माता का आशीर्वाद पा रहे हैं। बोल अंबिके मात की जगदम्बे मात की, बोल कपिलेश्वर महादेव की, आयो लाल कयो झूले, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें। जय चामुंडा अंबे माता मंदिर में भी अष्टमी और रामनवमी के मौके पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोल साचे दरबार की जय, माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदाई जय,
बोल सिद्धिदात्री मैया की। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अश्विनी नवरात्रे बड़े ही हर्षोल्लास धूमधाम से जय चामुंडा अम्बे माता मंदिर गोल मैदान भारी मार्केट के पास नाना नानी पार्क के पास बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। आज सुबेरे 11 बजे तक अष्टमी का पर्व था, उसके बाद नवमी का पर्व लागू हो गया, माताजी का हवन पूजा हुआ, तत्पश्चात कन्याओं का भोजन होगा, उसके बाद आम मंडारा प्रसाद होगा। सबसे यही प्रार्थना है कि माता का प्रसाद खाकर अपने जीवन को सफल बनाएं, सार्थक बनाएं। बोल साचे दरबार की जय। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वा साध के शरण त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्तुते। पर साचे दरबार की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदाए, सबको भूला भक्षण करने वाली माता तेरी सदाए। बोल साचे दरबार की जय। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। नगर सेवक किशोर वनवारी द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अष्टमी के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, साथ ही साथ भंडारे का आयोजन किया गया था। इस मौके पर शहर की कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रही। छह महीने में मैं हरदम माता का प्रोग्राम करता हूं, नवरात्रे रखता हूं और अष्टमी के दिन प्रसाद रखता हूं सभी के लिए, वार्ड वासियों के लिए, शहर वासियों के लिए, VIPs के लिए, पत्रकारों के लिए, चैनल वालों के लिए, सभी के लिए प्रसाद रहता है। सभी लोग अष्टमी के पावन अवसर पर आते हैं, मुझे माता का आशीर्वाद लेते हैं और मुझे आशीर्वाद देके जाते हैं। माता करे उल्लासनगर स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, सब खुश रहें। माता सबकी मन की मुरादें पूरी करे। अंबिका देवी की। हमारे दोस्त और हमारे पार्टनर किशोर वनवाड़ी साहब जी को माता हमारे साथ में ही रखे और माता सबको सद्बुद्धि दे कि लोगों का काम करे, हम मिलके लोगों का काम करें। सारे चारों पैनल में, कम से कम उल्लासनगर में हम तो बाद में देखे, पहला हमारे पैनल में हम अच्छे से अच्छे चारों जन काम करें, यही माता से दुआ मांगूंगा। नवरात्रि के शुभ अवसर की ढेर सारी बधाइयाँ और शहनशाही चालीये की भी ढेर सारी बधाइयाँ हमारे किशोर भाई को और राजा भाई, गोपी, बिजू, सबको, सोनू, सबको बहुत सारी बधाइयाँ। असांजा प्यार मोहन गाड़ो अञा गाड़ो लगो पिया ढेर सारी बधाइयाँ सबको और बहुत बहुत शुभकामनाएं, दुआएं। हमेशा यही दुआ रहेगी बाबा के दरबार में कि माता रानी पूरे उल्लासनगर के ऊपर मेहर करे, आशीर्वाद करे, क्योंकि ये बड़ा कठिन समय चल रहा है पूरे मुल्क के लिए। रिसेशन पीरियड है, क्राइसिस का पीरियड है और बस यही रहमत हो सब पर और हमारे सब कॉर्पोरेटर्स भाइयों के ऊपर, हमारे समाज सेवियों के ऊपर के शुभ कार्य करते रहें, यही दुआ बाबा के दरबार में। और हमारे किशोर भाई जो हमारे वार्ड के कॉर्पोरेटर हैं उन पर भी बाबा वसंत गोट की कृपा रहे और तन मन धन से लगन से कार्य करते रहें, सेवा करते रहें। हमारे साथ हमारे प्यारे राजा भाई भी हैं, उन पर भी बहुत बड़ी दुआ है संतों की, हमेशा ये दुआ बनी रहे। आई हुई संगत के ऊपर भी हमेशा संतों की मेहर रहे। जय जय वसंत शाह, जय जय पारू शाह, रख रोड़ी वाले। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। अष्टमी के मौके पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी उल्लासनगर के प्रसिद्ध माता माई रजाइन मंदिर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, साथ ही साथ हवन का भी आयोजन किया गया था। आइए डालते इस पर एक नज़र। माता माई रजाइन की जय। माँ रजाइन मंदिर में नवरात्रा के उत्सव आज अष्टमी के पावन पर्व पर माँ रजाइन मंदिर में इतना भव्य विशाल माँ का हवन आहुति हुई है। इसमें माँ के भक्त, यहाँ के पूरा मंदिर माँ के भक्तों के ताता लगा पड़ा हुआ है। माँ राजेन मंदिर में 9 दिन उपास रखने वाले रोज रात को आरती सुनकर माँ राजेन मंदिर में अपना भंडारा ग्रहण करके यहाँ उपास छोड़ के माँ की उपासना करते थे, माँ के आगे दीप जलाते थे, माँ की ज्योत जगाते थे। माँ की माँ भी हर उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। उस प्यार और विश्वास से ही यहाँ पे भक्तों की हर 6 महीने में ऐसे ही माँ के भक्तों का ताता लगा पड़ा रहता है। हमारे सभी उल्लासनगर के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ आए हैं माँ के दर्शन के लिए। मैं उन सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं पूरे उल्लासनगर वासियों से यही कहता हूँ कि आइए
माँ के दरबार पे अष्टमी का पावन पर्व है। माँ के आगे दीप जलाइए, माँ आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी, माँ आपके घर में सुखों के भंडार भरेगी। जयकारा माई राजैन माता दा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। आए हुए सभी माता के भक्तों को मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी के आगे प्रार्थना करता हूँ कि माता रानी सबको खुश रखे, खुशहाल रखे, सभी की जो मन की मुराद है वो पूरी करे। जय माता दी। लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। मैं माता राजायण के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करे और हमारे उल्लासनगर शहर पर इतनी मेहर करे कि ये हमेशा फूल की तरह महकता रहे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। अष्टमी के मौके के चलते शहर के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ऐसे में शक्ति कृपा आश्रम में भी धूमधाम से अष्टमी का कार्यक्रम मनाया गया और संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूरे शक्ति कृपा आश्रम की तरफ से सदगुरु शहनशाह बाबा साईं नील महाराज जी, सदगुरु शहनशाह बाबा साईं जी की तरफ से दुर्गा अष्टमी पर्व की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां हो। माता रानी के दर यही अरदास है कि पूरे शहर में हमेशा खुशहाली हो, सब शहरवासी अपने अपने घर में खुश हों, आबाद हों। जय जय भवानी, जय साईं शहनशाह, जय कारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। मंच टीवी के सभी दर्शकों को मंच टीवी के पूरी परिवार की तरफ से और कोणार्क न्यूज की पूरी टीम की तरफ से दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। तो आज के लिए बस इतना ही। शहर की गतिविधियों के लिए देखते रहिए मंच टीवी, कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। और अगर आप किसी भी तरीके के कोई कार्यक्रम को मिस कर देते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, धन्यवाद।